everybody and welcome back to another video. तो आज जब मैं सुबह सुबह उठ के हर रोज की तरह हफ्ते हफ्ते YouTube पे शॉर्ट्स देख रहा था तो मुझे ये वाला शॉर्ट दिखा। हो, ये एक स्कारल है और इस गन को बंदर रीलोड कर रहा है। इसकी गोलियां बहुत लल्लू की तरह जा रही, मुझे पता है। वो जो गोलियां जो जा रहा था वो कुछ ज्यादा ही लल्लू की तरह था, मेरे को पता है। वो ऐसा लग रहा है कि गोली नहीं निकल रहा है, लग रहा है कि स्कारल ऐसा करके थूक रहा है। पर गाइस एक चीज देखो, ये स्कारल का जो मैगजीन है वो असली गन की तरह निकलता है और वापस लग भी जाता है और उसको तुम रीलोड भी कर सकते हो ऐसे वो खटक खटक करके। रीलोड नहीं होता है वो, कुछ तो होता है, वो खटक खटक कर सकते हैं। इस गन की आवाज सुनो। ओ भाई मजा आ गया देखकर। और इस शॉर्ट्स का टाइटल है नर्फ फोर्टनाइट स्कार टैक्टिकल रीलोड। मतलब ये जो स्कार है ये स्कार फोर्टनाइट का है और ये एक नर्फ गन है। अभी गाइस ये वीडियो देखने के बाद मेरे को मेरा बचपन बहुत ज्यादा याद आ गया। मेरे को याद है बचपन में जब भी दुकान पे जाता था और ये वाला गन दिखता था मेरे को बस एक चीज सुनना पड़ता था, नहीं तेरे को ये नहीं मिल रहा है। और आई थिंक एक पॉइंट का मेरे को पता था कि मेरे को नहीं मिलेगा तो मैंने पूछना ही छोड़ दिया। पर गाइस अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अभी छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं अभी बड़ा बच्चा हो चुका हूँ। तो अभी मुझे जो चाहिए मैं खरीद सकता हूँ और आज मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ। तो इसीलिए गाइस आज मैंने डिसाइड किया है कि ये जो फोर्टनाइट का स्कार वाला गन है ये गन मेरे को चाहिए और इस वाले गन्स के साथ साथ मैं और भी ज्यादा नर्फ गन्स खरीदने वाला हूँ। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी चलते अमेज़न पे और ऑर्डर करते कुछ खतरनाक से नर्फ गन्स। ओ बाय द वे अमेज़न प्लीज स्पॉन्सर मी। औकात मेरे। All right guys, तो भी हम लोग Amazon के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे को सर्च करना है नर्फ फोर्टनाइट स्कार एल। नर्फ फोर्टनाइट स्कार एल। भाई ये गन, व्हाट गाइस, अगर मैं सच बताऊं तो वो शॉट्स देखने के बाद मेरे को लगा था कि ये गन मिलेगा, ये गन असली है, पर मेरे को पता नहीं था कि ये गन अपने को इंडिया में मिल सकता है। मेरे को लगा था ये गन अपने को इंडिया में नहीं मिलेगा, पर ये गन गाइस इंडिया में अवेलेबल है और ये डिलीवर भी कल ही चोरेला है। ये गन थोड़ा महंगा है, मेरे को अभी समझ में आ रहा है बचपन में जब मैं ये गन मांगता था मुझे क्यों नहीं मिलता था। पर गाइस नहीं, आज अपने को ये वाला गन चाहिए, आज हम ये वाला गन लेने वाले। ऑलराइट इसको ओपन करते हैं। नर्फ फोर्टनाइट ARL Elite Dart Blaster Motorized Toy Blaster 20 Official Fortnite Elite Darts। ओके, तो ये Fortnite का ऑफिशियल गन है। मेरे को पहले लगा था कि ये शायद से ऐसे अनऑफिशियल कुछ तो गन है, पर यार ये Fortnite का ऑफिशियल गन है और मैंने लाइफ में थोड़ा बहुत Fortnite खेला है और ये गन एक्चुअली Fortnite का है। आई मीन ये गन PUBG के अंदर भी है पर देन ये गन Fortnite वाला है। यार ये वाला गन तो मेरे को चाहिए यार, इसमें मैगजीन के अंदर गोलियां भर के मैगजीन लगा सकते हैं। भाई ये मेरे को चाहिए, पर मेरे को पता नहीं ये मोटराइज क्या होता है। आई थिंक मोटराइज का मतलब शायद से ये गन ऑटोमेटिक है, ऐसा थुड़ 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 करके बहुत सारे गोलियां एक साथ निकलते रहेंगे। ऑलराइट ऐड टू कार्ट, ये वाला गन तो मेरे को चाहिए। पर यार अब जब मैं मेरे बचपन का सपना पूरा कर ही रहा हूं तो सिर्फ इस गन को नहीं मंगाएंगे, इसके साथ और भी गन्स मंगाएंगे। व्हाट द हेल गाइस, यहां पे गन्स के ऑप्शन देखो, यहाँ पे गन्स की ऑप्शन देखो, यहाँ पे सारे गन्स है। आई थिंक ये सारे गन्स फोर्टनाइट के अंदर है, पर यार हम लोग सिर्फ फोर्टनाइट के गन्स ऑर्डर नहीं करेंगे, हम लोग बहुत सारे अलग अलग गन्स ऑर्डर करने वाले हैं। अगला गन जो हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं वो ये वाला है। मेरे पास एक स्कारल तो है, मेरे पास एक AR तो है, अब मेरे को एक पिस्टल भी चाहिए और ये मेरे को एक मस्त सा पिस्टल देखकर लग रहा है। और इस पिस्टल में यहाँ पर दो गोटियां डालने का जगह है, पता नहीं कैसे काम करता है। अच्छा तो पहले गोटी को यहाँ पे रखने का, फिर गोटी को यहाँ से निकाल के इसके अंदर डालने का और फिर इसको खींचने का और फिर ऐसा फटक करे किसी को पिछवाड़े मारने का। नाइस, आई लाइक इट, मेरे को चाहिए ये वाला गन। ऐड टू कार्ट। अबे ये कौन सा गन है? टॉय जोन डोरेमोन डबल बैरल शॉट। व्हाट, ये डोरेमोन वाला गन है? भाई मेरे को डोरेमोन वाला गन मिला और ये एक शॉट गन है और सिर्फ 400 रुपए का है। भाई ये 400 रुपए का है? ओके, मेरे को लग रहा है इसमें कुछ तो और रहेगा लफड़ा, ऐसा तो नहीं रहेगा, कुछ तो इसमें रह सकता है और। पर यार 400 रुपए का गन है और ये डोरेमोन वाला गन है तो ये भी मेरे को चाहिए। एड टू कार्ट। अगला नर्फ एलीट 2.0/ब्लास्टर इंक्लूड्स 2 नर्फ डार्ट्स पुल टू प्राइम हैंडल टॉय फोम ब्लास्टर फॉर आउटसाइड किड्स। हां ये
देख के बड़ा लल्लू सा गन लग रहा है, पर ये गन लिटरली 177 रुपीस का है। एड टू कार्ट, गन टट्टी है तो क्या हुआ, बस 200 रुपए का मिल रहा है। नर्फ अल्फा स्ट्राइक फ्लाइट CS-10 मोटराइज्ड ब्लास्टर, हो गया एक और मोटराइज्ड गन। ओके, इस वाले में भी अपने को मैगजीन लगाने का है, तो इसमें भी मजा आने वाला है। और ये फोटो देखकर ये मेरे को अच्छा खासा बड़ा सा लग रहा है। ओ यस, इसके अंदर ही मैगजीन डालना, तो मेरे को ये वाला गन भी चाहिए। ऑलराइट, एड टू कार्ट। अपना अगला गन है नर्फ राइवल अपोलो XV-700 ब्लास्टर। भाई ये देख के तो मस्त सा लग रहा है, ये गन मस्त लग रहा है। और ये गन में ये पीले वाले, अच्छा रुको, ये वो छोटे वाले नहीं है, ये पीले वाले बड़े बड़े गोटिया है, ये वही है जो पिस्टल में जाता है गोटिया, ये वही चीज है। तो यहाँ पे ऐसे ट्यूब में सारे गोटिया भरने का है, फिर उनको यहाँ से तक खटक करके अंदर, ऐसा यहाँ से तक खटक करके अंदर घुसड़ने का है, और फिर लगा के दपा दप मारने का है। नाइस, मेरे को ये वाला भी चाहिए, नर्फ अल्फा स्ट्राइक फ्लाइट CS-10। अबे ये वाला गन भी देखिए अच्छा लग रहा है, अपने को ये वाला गन भी चाहिए। मेरे को मैगजीन वाले गन चाहिए, वो जो मैगजीन निकाल के ऐसा डाल के रीलोड करने में जो मजा है ना, वो असली मजा है गन चलाने का। मैंने इतने साल पबजी में बहुत सारे गन चलाए, मेरे को आज सारे गन चलाने असली में। ऑलराइट गाइस, हमने आई थिंक सो 8 या 7 अलग अलग टाइप के गन्स ऐड कर लिए। गाइस मेरा बचपन का सपना है नर्फ गन चलाने का, जो मैं आज पूरा करने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, हमने सारे को अपने कार्ड में ऐड कर लिया, अभी जल्दी चल के सब चीजों को ऑर्डर करते हैं मेरे इस वन कार्ड के क्रेडिट कार्ड के साथ, जो ये एक यूनिक और क्लासी सा टेक पावर्ड मेटल क्रेडिट कार्ड है। सो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। इसका जो वर्चुअल कार्ड है उसमें बहुत सारे कूल फीचर्स है, जैसे कि एडवांस कंट्रोल्स। इतने सारे कंट्रोल से कार्ड की हर चीज है आपके काबू में, और इसकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई भी OTP की जरूरत नहीं है, बस इसके ऐप के अंदर जाके स्वाइप टू पे को एनेबल कर दो, तुम अपने स्पेंड्स को EMI में कन्वर्ट कर सकते हो ऐप के अंदर ही एनी टाइम। और इसके स्पेंड एनालिसिस से तुमको तुम्हारे स्पेंडिंग का पूरा बिहेवियर पता चल जाता है। मतलब मेरे को समझ में आता है कि मैंने Amazon में कितना खर्चा किया है और मैंने कितना KFC खाया। ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे मेरे हर स्पेंड में रिवॉर्ड करेगा, जो मैं डायरेक्टली इसके ऐप के अंदर रिडीम कर सकता हूँ फॉर कैश। और कभी कभी ये गोटिया खाना ऑर्डर करने के लिए मुझसे पैसे मांगता है। पर अब विद वन कार्ड मैं मेरा क्रेडिट लिमिट इसके साथ और मेरे फैमिली के साथ शेयर कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ गोटिया को उसका खुद का वन कार्ड और ऐप भी मिलेगा। वो गोटिया डाउनलोड किया तूने वन कार्ड का ऐप, वेरी गुड। और इसके ऐप के अंदर बढ़िया से ऑफर्स भी है, तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डाउनलोड करो वन कार्ड ऐप और इंस्टेंटली पाओ अपना वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस। अगला दिन सुबह के 9 बज रहे और सुबह सुबह सब कुछ डिलीवर हो चुका है। अब ये सब चीजें बाहर पड़ी है, मैं जल्दी आके लेके आता हूँ। और आज मेरे को गोटिया हमारी थोड़ी सी सहायता करने वाला है रिकॉर्डिंग करने के लिए। गोटिया इधर आओ, ये कैमरा पकड़ने का, ठीक से पकड़ने का, ठीक है। कैमरा इधर उधर किया ना, बहुत मारूंगा तेरे को आज मैं। कैमरा पकड़ ले, पकड़, तू कैमरा पकड़, मैं बाहर से सामान लेके आता हूँ। जल्दी खोल ना दरवाजा, इतना भारी सामान पकड़ के गाइस, ये डब्बों के साइज देखो, ये क्या है, इन डब्बों को देखो बस तुम एक बार। ये बिस्तर पे मैं 6 फुट का आदमी सो जाता हूँ फैल के, थोड़ा सा पैर बाहर रहता है, पर ये डब्बों का साइज तो देखो, मेरे पीसनी को देखो, ये डब्बों को देखो। और ये एक नहीं, ऐसे 2 डब्बे, भाई मैंने क्या ऑर्डर कर लिया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ओ बाय द वे गाइस, क्या तुम लोग को पता है कि अपना जो ये वाला चैनल है, ये 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बस दूसरा करीब है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला जो डायमंड प्ले बटन है वो लिटरली मेरे हाथ के ऊपर उड़ रहा है। तुम लोग क्या देगा, नीचे जो सब्सक्राइब बटन उसको जल्दी जाके दबाने का है, और ये जो प्ले बटन ये फर्स्ट मेरे हाथ में गिर जाएगा। नाइस, और अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 50,000 लाइक्स का। गाइस बचपन में मेरे को कभी खिलौने वाले गन चलाने नहीं मिले थे, और मैं सोचा कि ये शौक मैं अब पूरे करूंगा, और ये शौक पूरे करने के चक्कर में मैंने आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही चीजें मंगा ली। अभी थैंकफुली ये सुबह सुबह घर पे आया, तो मम्मी ने नहीं देखा ये आता हुआ, सिर्फ मैंने देखा है और गोटिया ने देखा है। गोटिया, तू अगर मम्मी को बोला इतना सामान आया, बहुत मारूंगा तेरे को, इधर से नीचे फेंक दूंगा। मम्मी को बोलने का नहीं, तू डब्बे का साइज देखो, मैं डब्बे के अंदर घुस जाएगा, इतना बड़ा डब्बा ही है। पर एनीवे, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी चल के इन डब्बों को खोलते और देखते इन डब्बों के अंदर क्या क्या मस्त मस्त गन्स है। एंड मेरे को पता है क्या क्या है, पर खोल के ट्राई करते, जल्दी जल्दी जाकर चाकू लेकर आता हूँ मैं इसको काटने। क्या कैची है तो देना पागल आदमी, क्या गुट्टिया तू रे, क्या गुंडा बनेगा तू। ऑलराइट गाइस, चल के इसको काटते। ऑलराइट गाइस, इतने बड़े बड़े 2 डब्बे, और ससाइन अपन ये डब्बे को खोलते, ऊपर वाले देखते इसके अंदर क्या है। मैंने आज तक जो भी चीज ऑर्डर किया था गाइस, लिटरली छोटे छोटे डब्बों में आया,
तो इन डब्बों को मैं खोल के बाहर रख के आ सकता हूँ, पर ये इतने बड़े डब्बे हैं मेरे को इसको यही लाकर खोलना पड़ रहा है। भाई डब्बा खोलते ही मेरे को अंदर मस्त मस्त चीजें दिख रही है। मेरे को डोरेमोन दिखा अंदर, गोटे डोरेमोन दिखा भाई, डब्बे के अंदर डोरेमोन निकला है, यहाँ पर डोरेमोन है। और ये तो डोरेमोन का शॉटगन, ये क्या है? ओ हाँ सॉरी, ये मैंने मंगाया था, ये एक्चुअली मेरे PS5 के सारे प्लग्स को बंद करने के लिए, तो ये भी मेरे को चाहिए था, ये थैंकफुली अलग से दिख गया अपने को, साइड में रखते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी सारे मस्त मस्त गन्स अपने को दिख गए, अभी चल के अपने को सारे गन्स ट्राई करना है। पर तुम लोगों को पता है मैं कौन से गन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ? यहाँ पर सारे गन्स तो है, यहाँ पर डोरेमोन है, बहुत कुछ है, पर अगर मैं किसी गन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो गन है जिस गन के वजह से मैं ये वीडियो को आज बना रहा हूँ, और वो है हमारा फोर्टनाइट वाला स्कारेल। शुरू करते अपना गन निकालना। सबसे पहला गन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है नर्फ राइवल, और वो ये वाला गन है, और उसके साथ ये वाली गोटियां दी हुई है। मेरे को लगा था ये गोटियां थोड़े और बड़े रहेंगे एक्चुअली, और ये सॉफ्ट है, देखो ये बड़े नरम नरम से। तो चलो यार जल्दी से इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। ऑलराइट गाइस, तो ये गन पे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पे है स्प्रिंग एक्शन, और इस पे 100 FPS 30 MPS वेलोसिटी, जो मेरे को पता नहीं क्या है, और एक्सपीरियंस द इंटेंसिटी। ऑलराइट गाइस, ये एक्चुअली थोड़ा सा अलग सा गन है, यूजुअली नर्फ गन होता है उसमें लंबे लंबे ऐसे डंडी डंडी वाली गोलियां आते हैं, और दूसरा जो एयरसॉफ्ट आता है उसमें पीली पीली गोलियां होता है। एक्चुअली काम करते हैं अपन नर्फ गन खोल रहे हैं, इसको मैं साइड में रखता हूं एक सेकंड के लिए, मेरे को अंदर का एक और मस्त सा दिखाता नर्फ गन, रुक जा बोलता है वो निकालने देंगे, वो है ये वाला। ओ यस, ये एक टिपिकल नर्फ गन है। नर्फ गन बिल्कुल ऐसे होता है, इसमें छोटा सा ये ऐसे लंबे लंबे गोलियां होते हैं और ये होता है। तो एक काम करते हैं, इसको खोल के चलाने से पहले अपन एक बार इसको चलाकर देखते हैं। ऑलराइट, इसको कैसे खोले? इसको खोलने के लिए यहाँ पर टेप है, टेप को काटना पड़ेगा फिर इधर, कितना टेप लगा है रे बाबा। ऑलराइट, तो ये रहे वो नर्फ गन की गोलियां, जैसे बता रहा था यही होता है नर्फ गन की गोलियां, ये ऐसे ऐसे टुप 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 करके लगता है, कुछ खास लगता भी नहीं है ये। अबे कितना छोटा सा है, ये देख रहा तो मेरे हाथ में कितना छोटा सा दिख रहा है, ऐसे बच्चे वाला गन है। तो इसके अंदर अपना गोली यहाँ से डालना है, इसको ऐसे खींचना है और ऑलराइट, तो अपन इसके अंदर गोली पहले लोड कर लेते हैं, अपनी नर्फ बुलेट को लोड करते हैं, और इसको अपन करते हैं रीलोड। और गोट्या, आर यू रेडी? इन 3 2 1 मैं एक चीज भूल गया था, ये जो है ना जब इसको दबाते हो ये चीज ऐसे अंदर आता है, और ये मेरे उंगली में इधर ऐसे अटक गया था, मेरे दो उंगलियां ऐसे इधर अटक गए थे ऐसे। उस शिट, ये नहीं करना है गाइस, बी केयरफुल गाइस, ये चीजें बहुत ज्यादा हिलती है। तो ये अपनी पहली नर्फ गन थी जो मैंने ट्राई कर लिया, और ये है तो लल्लू सा नर्फ गन। मतलब देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं जो बाकी नर्फ गन हमने आज मंगाया उसके कंपेरिजन में, ये नर्फ गन तो बहुत ज्यादा लल्लू है। बट देन इट्स अ नाइस नर्फ गन, और मैंने फिर से चलाया, फिर से मेरे उंगली पे लगा। गाइस अभी ना गोटिया का ऐसा मन में इच्छा हुआ है कि वो मेरे को नर्फ गन से गोली मारेगा, तो गोटिया मार, गोटिया हाथ पे एम कर, हाथ पे, मेरे को लगा बहुत मारूंगा गोटिया तेरे को, हाथ पे कर, वो लगता नहीं है। अब मेरी बारी, इधर दे। ओके, गोटिया के पिछवाड़े पे अपन एम ले लिया, और ऑलराइट गाइस अगला गन, ये है ना असली नर्फ गन। तो ये साइड में गन का एम्युनेशन दिया हुआ है, तो एक अच्छा इनके साथ कि हर गन का साइड में मिल जाता है एम्युनेशन, तो ये गन का पूरा एम्युनेशन है ये। और इसको 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 फील कर, कितना लल्लू सा है। मतलब मेरे को लगा था कि ऐसा हार्ड सा ऐसा कुछ तो होगा कि लग जाएगा अगर मैं मारू तो, पर यार ये बहुत ज्यादा लल्लू सा है। ये देखो, ये ऐसे दबाते ही पिचक जाता है, तो आई थिंक सो कि लगना नहीं चाहिए, बट मेरे को लग रहा है कि अगर जोर से किसी को पड़े तो ये दर्द होगा। तो ये आ गया अपने गन का मैगजीन, तो जो सारे गोले है उसको अपने को इसके अंदर डालना है यहाँ से, और फिर इसको लगाना है गन के अंदर। क्या हंसने का नहीं? ऑलराइट, तो होपफुली इसी के साथ अपना ये गन यहाँ से बाहर नहीं आया। अरे ऐसा पैकेजिंग करते हो कि फाड़ के खोलना पड़ता है यार, ऐसे हल्का फुल्का पैकेजिंग किया करो, इसे फाड़ना ना पड़े, ताकि अगर खराब निकले तो रिटर्न करने में आसानी हो। ऑलराइट गाइस, ये रहा वो गन, ये लग भी रहा यार एक्चुअल सा गन। ओ कैसे, देखो, ओ हो, और इसको रिलोड किया और ओ इसको खींच के से आगे भी करना है। ये साउंड सुनो, भाई ये मस्त गन है, इसका आवाज क्या आ रहा है गोटिया, देखा आवाज आ रहा है गोटिया, गोटिया आवाज सुन रहा है, आवाज सुन, आवाज सुन, नजदीका नजदीका आवाज सुन, ये देख ये देख ये देख,
ये आवाज से लोग की फट जाएगी यार। गाइस साइड में रखते इसको। ये ले लिया अपन ने गन की मैगजीन। अभी गन के मैगजीन के अंदर अपन सबसे पहले लोड करने वाले हमारे बुलेट्स। तो ये रहे बुलेट्स, इसको ऐसे डालना है। और ये रहे हमारे बाकी के बुलेट्स, सारे के सारे हम ऐसे मैगजीन के अंदर एक एक करके डाल देंगे। और ये अपना पूरा एक मैगजीन भर चुका है। और अभी अपने को मैगजीन को इसके अंदर आई थिंक सो यहाँ से डालना है, ऐसे ऐसे डालना है। हो ओके, मैगजीन लग गया। पर मैगजीन निकलता कैसे बाहर? रुको, इंस्ट्रक्शंस की तरह गया। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि बटन यहाँ पर है। ओ ओके, ये बटन से मैगजीन रिलीज होता है। ये देखो, ये लग गया मैगजीन, और ये बटन से होता है मैगजीन रिलीज। नाइस। ऑलराइट गाइस, मैगजीन लग गया, गन तैयार है। इट्स टाइम टू लोड द गन। हो और अभी शूट करते इस गन को। ओ, कितनी गोलियां साथ में आई थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इधर कितनी गोलियां थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओ, साथ ही गोलियां थे और इसमें साथ ही है। शिट, मैं डर गया। हमें वो लगा एक गोली मैगजीन से निकल गया पर गोली शूट नहीं हुआ, तो गोली गया किधर? पर एनीवे गाइस, चलो आई डोंट नो एक्टिवेट है कि नहीं, बट अबे ये क्या हो रहा है? ओ आई थिंक सो कुछ तो इसमें लॉक का बटन था यहाँ पर। अबे दो पेज का किताब है ये, तुमने पढ़ा ही नहीं। ओके, मैगजीन डालना है, लोड करना है। ओके, आई थिंक मैं इसको आगे नहीं करना था। अपने को ट्रिगर कैसे बटन को अनलॉक करना है, जिसे ट्रिगर चालू हो जाएगा, फिर हमको इसको पूरा ऐसे पीछे तक लेना है। और ये अभी दिखा रहा है कि ये रेडी है। तो ऑलराइट गाइस, फर्स्ट शॉट इन 3, 2, 1। समथिंग इज द प्रॉब्लम, खराब निकला गया ये। ऑलराइट गाइस, अपन ने इसको फिगर आउट कर लिया कैसे काम करता है। नुबड़े की तरह पिछले बार गोटिया बोल रहा है मैंने किया, पर गोटिया ने खुद कुछ नहीं किया, बुरा काम मैंने किया। तो ये है ना, ये इसको ना एकदम एंड में खींच के और एक बार पीछे खींचना पड़ता है, तो ये जो गोटी है इससे निकल के इसके अंदर जाता है। तो ऑलराइट, चल के पहले मैगजीन को लगा लेते हैं। लग गया मैगजीन। मैगजीन लगने के बाद अपने को इसको पुल करना है बहुत ज्यादा। तो ये हो गया पुल, और पुल करने के बाद एंड में आके और ये स्प्रिंग ऊपर गया, मतलब अभी ये लोड हो चुका है। तो ऑलराइट गोटिया, चल के शूट करते हैं। मेरे रूम में ये गोटी अगर एक बार बैठ के नीचे गया तो वापस कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए अपन ने एक मस्त टारगेट बनाया, वो पर्दा, और पर्दे के नीचे चेयर, चेयर में बहुत सारे कपड़े रखे, तो जैसे कुछ भी गोली उस पर्दे पे लगेगी, सीधा पर्दे पे लग के पुट्टू करके चेयर पे गिरेगा वो। ऑलराइट गोटिया, तूने नहीं मैंने प्लान किया। गोटिया सबका रेट मत खा तू, समझा? ऑलराइट चलो। ऑलराइट गोटिया, इधर आओ, इधर आओ, सामने ऐसा। हां ऑलराइट गाइस, 3, 2, 1। ओह, ये अगर किसी को पड़ा गाइस बहुत लगने वाला है। गोटिया को मार के ट्राई करूँ क्या? एक और गाइस, एक और शूट करेंगे। 3, 2, 1। ओह मस्त है यार, ये बहुत मस्त है। ऑल राइट गोटिया, तो ट्राई करना है, देखो ट्राई करना है, ये ट्राई कर, पकड़ मार गाइस। एक गोटिया ट्राई कर रहा है, मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए। गोटिया मार, नाइस गोटिया, वेरी गुड। इधर दे, अभी हो गया, बस हो गया, चल अभी। ऑलराइट गाइस, हम लोग ने एक टारगेट बना लिया है, और दुख की बात यह है कि वो जो 7 गोटियां थे उसमें से 1 गोटी गायब हो गया है। वो किधर है नहीं मिल रहा है, गया उधर ही था, पर वो गया किधर ये कोई नहीं जानता अभी। और ऑलराइट गाइस, इसको साइड में रखते हैं और चल के निकालते हैं अपने अगले गन को। ऑलराइट, इसके अंदर भाई बहुत सारी चीजें दिख रहे हैं। अगला गन कौन सा निकाले गोटिया? तू चूज कर कौन सा निकाले। क्या हम लोग डोरेमोन को निकाले, क्या हम लोग इसको निकाले, या हम लोग किसको निकाले? गोटिया तू चूज कर, चूज कर गोटिया। डोरेमोन, गोटिया डोरेमोन बोल रहा है। ऑलराइट गाइस, ये है अपना डोरेमोन का लॉक एंड लोड पॉप एक्शन गन। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नोबिता है, शिजुका है, डोरेमी है, सुनियो है, जियान है, और नीरा डुक्कर भी साथ साथ है। एकदम मस्त डोरेमोन वाला गन है यार। ये गन को चलाते टाइम ना मेरे को डोरेमोन का गाना सुनना है। बस बस, ज्यादा हो गया, चलो। ऑलराइट गाइस, समय आ चुका है डोरेमोन वाले गन को खोलने का, और देखते कि डोरेमोन वाले। अबे गोटिया एक सेकंड, अगर ये गन गलती से डोरेमोन का गैजेट निकला तो? ये खोल के ट्राई करता है मेरे को। डोरेमोन वाले गन को पहले बाहर निकालते हैं यहाँ से। अबे इसके पीछे पूरा डोरेमोन का डिजाइन बना हुआ है, ये देखो डोरेमोन वाली घंटी। अबे इसके साथ गोली नहीं, ओ ये रहा इसके साथ वाली गोली। हमें बोला साथ में गोली नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये रहा गाइस डोरेमोन वाला शॉटगन, जो एक्चुअली एक पंप एक्शन शॉटगन है। तो इसको पहले, अबे यार इसको यहीं से काटना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, ये रहा डोरेमोन वाला शॉटगन। और क्या ये शॉटगन खुलता है? तो ये शॉटगन रीलोड कहां से होता है? ओके, ये वाला बहुत ही ज्यादा सस्ते वाला गन है। तो तुम लोगों को दिख रहा है कि इस गन में कुछ खास डिटेल्स है नहीं, लिटरली पूरा प्लास्टिक का गन है। और मुझे पता भी नहीं इसमें गोली कहां से आता है। क्या ये खुलता है?
या आई थिंक सो मेरे को गोली सामने से डालना पड़ेगा। ओके अपन ने दो गोली निकाल लिया है। आई थिंक सो इसमें अपने को गोली को ऐसे ही डालना पड़ेगा और इसको ऐसे लोड करके हमें इसको गाइस, जो डोरेमोन वाला शॉटगन है इसको हमें ऐसे करके लोड करना होता है और लोड करने के बाद ये दोनों गोली को अलग अलग मारता है। तो ये क्या पहला गोली और ये दूसरा गोली अभी मिरर पे चिपक पे गया। फिर से करता है, फिर से करता है, फिर से मारता है। क्या हम लोग इसको लिटरली ऑटो फायरिंग बना सकते हैं? ये नहीं करने का था। दोनों गोलियां देख नीचे, देख दोनों गोलियां उड़ के डायरेक्ट नीचे गिर गया। ऑलराइट गाइस, अगर हम लोग इसको लोड करें तो क्या मैं ये दोनों गोलियों को एक साथ मार सकता हूँ? लेट्स ट्राई। तो अगर मैं इसको जोर से प्रेस करूँ तो आई थिंक सो दोनों एक साथ चलेगा। नाइस भाई यार, ये देखने का तेरे को ये वाले गोलियां हर घर के लिए चाहिए और मेरे को पूरे घर में हर जगह मिरर चाहिए। अबे ये सही है यार, ऐसे वाले गोली होनी चाहिए यार। कितना इजी होता है जमा करना, ढूंढना। ये देखो रखा, मारा, दोनों छिटक गए वहां पर। नाइस। पर क्या हम लोग इससे एम कर सकते हैं? मतलब अगर मेरे को एम करना हो तो ये क्या एक और ये जितना मेरे एक्सपीरियंस में देखा, डोरेमोन वाला जो गन था वो किसी कंपनी का नहीं था और वो गन मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया खेलने के लिए, क्योंकि उसमें वो चिटकने वाला गोली है जो ताकि मिरर में चिटक जाता है, जमा करना बहुत ईजी है। बाकी जो है वो छोटे वाले गन का एक गोली बैठ के नीचे चला गया, वो अब तक मेरे को नहीं मिला। तो लेट्स ट्राई। ओ खोलते ही सबसे पहले, अबे इसने भी चिटकने वाले गोली आया था, इससे बचाएगा। और ये रहा वो गन। भाई यार ये क्या है, ये गन देख के यूज लग रहा है। ये देखो, आई डोंट नो ये डिजाइन है ऐसा या ये यूज्ड है। ये गन डेफिनेटली मेरे को यूज लग रहा है। और ये बुलेट्स की हालत देखो, मतलब ये डेफिनेटली यूज्ड है, ये यूज करके किसी ने वापस कर दिया है और फिर ये मेरे को मिला है और ये अटक भी गया, तो चलता भी नहीं है। ओ इसको ऐसे कर देगा और प्रेस करके इसको आगे कर देगा। ये क्या गन है? आई थिंक सो ये गन को किसी ने ऑर्डर किया होगा और ऑर्डर करने के बाद खेल खेल के उसने तोड़ दिया और तोड़ के उसने रिटर्न कर दिया और ये गन काम नहीं कर रहा है, ये गन टूटा हुआ है। एनीवे अगला गन, एंड ये वाले डब्बे में स्कारल तो नहीं था, तो आई थिंक सो कि नीचे वाले डब्बे में स्कारल जरूर होगा। खोलते ही सामने फोर्टनाइट का लोगो दिख रहा है मुझे। ये क्या है? ये भी कोई टॉय है? ये छोटा डब्बा क्या है? ओह यस, मैंने ये भी तो मंगाया था, इसके बारे में कैसे भूल गया मैं। ये वाला गन बिल्कुल वो लाल वाले गन की तरह है, बस ये थोड़ा छोटा है और इसका मैकेनिज्म आई थिंक ऐसा पुल करना है और क्या करना है इसको। ओके मेरे को आप समझे काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से गोटी निकालना है, यहाँ से इसको हमें अंदर डालना है ऐसे और फिर इसको बंद कर लेना है और इसको पुल करना है और इसको आप अंदर छोड़ देना है। इससे ये चीज लोड हो चुका है। गोटिया, इट इज शूटिंग टाइम, इधर दे। और इस गन को हमें ऐसे रखना है और कहाँ गया? ओ गोटी उधर घूम रहा है, तो नीचे पूरा। ये वाला गन तो मस्त है, इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं इस डब्बे के अंदर और क्या गन्स है। ऑलराइट गाइस, ये है हमारा अगला गन और ये आई थिंक एक मोटराइज गन है। और मेरे को ध्यान से मैंने एक और मंगाया था ना, और ये रहा हमारा एक और येलो कलर का गन और ये भी मोटराइज। गोटे ये दोनों सेम नहीं लग रहा देख के। नर्फ अल्फा स्ट्राइक फ्लाइट CS-10 Nerf Alpha Strike. What the hell? क्या मैंने दो सेम गन मंगा लिए? थोड़ा ये डिजाइन तो अलग दिख रहा है। 20 ये, 20 ये, motorized 10 dart blasting. अबे यार, अबे गाइस, I think मैंने नूबड़े की तरह दोनों सेम गन ऑर्डर कर लिए। ये दोनों गन सेम है, पैसा बर्बाद। अब मेरे पास एक ही स्टाइल का दो गन है। गुटे क्या करने का इनका? गाइस अब मेरे पास दो सेम वाले गन है, मेरे को पता नहीं के साथ क्या करने का है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसके साथ मेरे को क्या करना चाहिए। तो जल्दी चल के येलो वाले को खोलते हैं और ट्राई करते हैं इस वाले गन को। ये वाला गन मेरे को मस्त दिख रहा है। एक्चुअली एक सेकेंड, स्कार भी येलो कलर का नहीं, ठीक है यार येलो ये खोलते, ये अच्छा दिख रहा है। तो इसको खोलते हैं, यहाँ से सारे रस्सियां काट लेते हैं और इधर और रस्सियां है और ये आ गया, एक और रस्सी है और ये आ गया, एक और रस्सी है
और ये आ गया हमारा येलो कलर का मोटोराइज्ड नर्फ गन। इसका मैगजीन बाहर निकलता है, कैसे निकलता है? ओ यस, और इसको वापस यहाँ से ही अंदर डालना है। आई थिंक इसको प्रेस करके ऐसे डालना है और ये देखिए हम लोग इसको फुट 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 ऐसे मार सकते हैं। हो नाइस नाइस, ये हुई ना बात। ऑल राइट, तो जल्दी चल के इनको अपन लोड करते इसके मैगजीन के अंदर और देखते हैं कि मोटराइज चीज काम कैसे करता है। एक सेकेंड, आई थिंक सो इसके अंदर बैटरी लगता है। ये देखिए गोटी, देखिए क्या है, ये कुछ तो खुलता है ना, ये ऐसा लग रहा है। ओ यस, अबे यार ये बच्चे कैसे खोलेंगे? इसको प्रेस करके कैसे खुलता है ये? गाइस बैटरी का कवर गोटिया खोल रहा है और मेरे को गोटिया मैगजीन लू क्या उससे निकाल के? मैगजीन के अंदर गोली भरने का है, गोटिया खोल रहा है। लेट गोटिया ओपन इट। ये फाइनली खुल गया बहुत मेहनत के साथ। अब इसके अंदर अपने कुछ ये चार बैटरी ही है घर पे। एग्जैक्टली ओके, तो इसके अंदर चार बैटरी डालने का है। बेटा पकड़ना कैमरा। तो इसके अंदर अपन चार बैटरीज लगा लेंगे। ऑल राइट, चार बैटरीज लग गए। अभी अपने को इसको ऐसे बंद करना है और बाद में खुलेगा, पर अभी अपने को चल के इसके मैगजीन को लोड करना है। प्रेस करके मैगजीन को बाहर निकालते हैं और मैगजीन के अंदर ये नर्फ वाले बुलेट्स को अपन लोड करते हैं। आई थिंक सो इतनी गोलियां चाहेंगे। नाइस थिंग यार, नर्फ ने ऐसा एक्स्ट्रा गोलियां दिया है कि अगर ये गोली कहीं घूम जाए तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गोलियां तो रहेंगे गन में लगाने के लिए। ऑल राइट, अभी इस मैगजीन को हमें गन के अंदर डालना है और ये चला गया गन के अंदर। अभी तो इसको लोड कैसे करना है? आई थिंक हमें इसको लोड नहीं करना है। आई थिंक इसको लोड नहीं करना है या लोड करना है। ओ ओ ओ, ये क्या खुलता है? इसको अपन खोल के ऐसे बंद करेंगे। हाँ ये हुई ना। देखो गाइस, अगर तुम सीओडी खेलते हो, सीओडी में गन लोड कैसे होता है? ये रहा मैगजीन, स्वैप मैग। यह मैगजीन, मैगजीन को ऐसा डालने का, जोर से ऐसा अपटने का, इसको खोलने का ऐसा खटक खटक ठाप। आ हो गया गन तैयार। ऑल राइट गोटिया, इधर है। हाँ, ये गाइस लिटरली ऑटोमेटिक गन की तरह काम करता है। क्या स्पीड में सारे गोलियां गए। मतलब पहले हमको इस बटन को दबाना है जिससे ये चालू हो जाएगा मोटर, और फिर इसको प्रेस करना है और एक एक करके गोलियां मारता रहेगा फुल स्पीड में। नाइस, अभी सारे गोलियां जमा करने पड़ेंगे, ये मेहनत है। गाइस ये वाले नर्व से देखो कैसे निशान पड़ गए इस पे, ये निशान पड़ गए ये वाले नर्व से इसके ऊपर। ओ भाई ये क्या फन है। गाइस ये वाला मेरा अभी तक का सबसे ज्यादा फेवरेट नर्व गन है और थैंकफुली मैंने इसी गन का दो दो ऑर्डर किया, बाकी किसी का नहीं किया, वरना मुझे बहुत दिमाग खराब होता। पर देन ये गन बहुत ज्यादा मस्त है। पर गाइस इससे भी जो ज्यादा बेटर वाला गन है उसको हमने अभी तक नहीं खोला है और वो गन ही वो रीजन है जिस वजह से मैंने ये सारे चीजें ऑर्डर किया है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो है द फोर्टनाइट कारेल गन। चलो बोलते जल्दी निकालते फोर्टनाइट वाले गन को। ऑलराइट, डब्बे का साइज तो देखो, व्हाट द हेल, ये डब्बे से मेरे को लग रहा है कि ये गन बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है गाइस। मैंने साइड से भी देखा नहीं है। ओ भाई, पर ये डब्बा बहुत ही गंदे कंडीशन में आया यार। पर गाइस ये वाला डब्बा कुछ ज्यादा ही गंदे कंडीशन में आया यार। मैंने लिटरली ये पूरा वीडियो इस गन के लिए बनाया और ये वाला डब्बा, ये देखो डब्बे में खट्टा है, ये क्या हालत है। और ये पूरा डब्बा टेप से चिपका के रखा हुआ है। अबे यार मेरे को पता है, जब चीजें मंगाते हैं ना अमेज़न से, मोस्ट ऑफ दी चीजें इस हालत में आती है। आधा ये सील खुला हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है। यार ये चीज लिटरली 4,500-5,000 रुपए का चीज है और ये अगर इस हालत में कोई खरीदेगा भी नहीं। बट एनीवे यार, इसको खोल के देखते हैं। आई होप गाइस कि ये टूटा हुआ ना हो अंदर से, ये चलता हो। तो ऑलराइट गाइस, चल के इसको खोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि अंदर से टूटा हुआ ना हो। यार लिटरली सेलो टेप लगा के भेजा यार, ये क्या कंडीशन है डब्बे की? इसमें कोई सील भी नहीं है नर्फ का। मतलब ये जो हालत में डब्बा है, ये देखकर लग रहा है इसको किसी ने खोला है, खोल के यूज किया, वापस बंद करके सेलो टेप मार के दे दिया। मतलब एक तो सील तो होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, चल के इसको खोलते हैं और बाहर निकालते हैं। सारे डिसअपॉइंटमेंट साइड में रख के इसको बाहर निकालते हैं। वेट व्हाट गाइस, गोटिया आई थिंक ये गन बहुत ज्यादा बड़ा है। ओहो यस, यप, ये डेफिनेटली यूज्ड है, इसको किसी ने खोल के डेफिनेटली यूज किया, क्योंकि ये देखो नर्फ की गोलियां सारे यहाँ वहां फैली हुई है। अबे ये क्या सामान भेज रहे हो, ये क्या हरकत है? तो ये रहा अपना वो गन। आई होप सो कि ये चीज खराब ना निकले गाइस, प्लीज ये खराब मत निकलना यार, ये खराब मत निकलना यार। बहुत उम्मीद से मंगाया हूं मैं इसको यार, ये खराब नहीं निकलना चाहिए। ऑलराइट गाइस, ये लिटरली एक बड़ा सा स्कारल है। मतलब ये देख रहे हो तो मेरे लिए कितना बड़ा है ये चीज। और अभी इसके
ये डेफिनेटली किसी ने खोल के यूज किया है गाइस। इसको 100% किसी ने खोल के, देखो इसके यहाँ पर भी बुलेट लगी हुई है। कैसे बेशरम लोग है यार, खोल के यूज करके पैक करके वापस दे देते। हाँ भाई सारा मूड खराब हो गया इसको खोलते ही। पर एनीवे गाइस इसको अपन यूज तो करेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर यहाँ पर स्कोप भी दिया हुआ है ऐसे, नाइस। तो सबसे पहले चल के ये जो पूरा फैला हुआ है सारे नर्फ वाले बुलेट्स, इसको ऐसा एक जगह पे लेके रखते हैं। मैं बहुत सैड हूँ यार ये देखने के बाद। मैं सबसे ज्यादा, मैं इसके लिए मैंने ये सब कुछ ऑर्डर किया, मैंने लिटरली यार ये ऑर्डर किया और ये क्या कंडीशन में आया यार। मेरे को ऐसा खुला हुआ पैकेट होना नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए अपन इस गन को चला के ट्राई करते हैं। तो जल्दी चल के ये वाले मैगजीन में अपन गोलियां लोड कर लेते हैं, जो मेरे को यूज टू हो गया। आई थिंक इतना ठीक है। और ये लग गया अपना मैगजीन इसके अंदर, और मैगजीन लगाने के बाद वेट, यहाँ बैटरी डालना है इसमें गोटिया। अबे ये बैटरी खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए। गोटिया तेरे पास स्क्रू ड्राइवर है क्या? है सारे जेब में लेके घूमते है क्या स्क्रू ड्राइवर तू? कैंची वहां कैंची पड़ा। नाइस गोटिया, क्या स्क्रू ड्राइवर है गोटिया, ये क्या कंडीशन में स्क्रू ड्राइवर है गोटिया, इसे तो क्या क्या खोला है आज तक। तो कोई बात नहीं, अपना स्कारेल का ये स्क्रू खुल जा रहा है, वही बड़ी बात है। इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर भी चार बैटरीज चाहिए, तो अपने चार बैटरीज हमारे पास इधर ही है, फटाफट बैटरीज लगा लेते हैं। What? क्या तुमने वो साउंड सुना? जल्दी चल के इसको कवर को लगा लेते इसके ऊपर। तहल वो क्या साउंड था गाइस? ओके, आई थिंक ये गन से ऐसा आवाज नहीं आना चाहिए, एंड इसीलिए इसको रिटर्न कर दिया। और मेरे को लग रहा है कि मुझे जो मिला है ये खराब वाला है, क्योंकि मेरे पास एक और गन है। बाकी लोग के पास ना यूजुअली मल्टीपल मोटराइज्ड गन्स नहीं होंगे ट्राई करने के लिए, पर फॉर्चुनेटली मेरे पास दो तो है और ये आवाज नहीं आता है। ये पूरा गन ना वाइब्रेट कर रहा है, पूरा गन ऐसा हिल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर एनीवे यार, ऑलराइट गाइस, अभी अपन इसको फायर करके ट्राई करने वाले कि क्या इससे एक्चुअली गोली मजेदार निकलता है। बट इधर आ जाओ। तो ये चालू कर लिया अपने मोटर को भाई, ये मिक्सर वाले आवाज कर रहा है यार। पर मिक्सर के शूट करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है क्या। ओके, यहाँ पर इन्होंने स्कोप्स दिया है जिसको हम लोग ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं, और चालू करके ये निकल रहा है, चल रहा है। पर यार आवाज, ये आवाज गंदा है यार, ये आवाज गंदा है। पर यार एक्चुअली काम कर रहा है। रुको एक सेकंड, मेरे को पहले इसकी गोलियां ढूंढने दो। गाइस मैगजीन रीलोड। ओके गाइस मैगजीन रीलोड, अपने को मैगजीन के अंदर एक गोली डालना है। ये चला गया गोली मैगजीन के अंदर, और अभी लग गया मैगजीन गन के अंदर, और लगाने के बाद ओके लेट्स शूट। बस हो गया खत्म। और यार गाइस, तो मैंने फाइनली आज मेरे बचपन का सपना पूरा कर लिया है। बचपन से जो मेरे को करने का था नर्फ गन चलाना, वो सपना आज फाइनली मेरा पूरा हो गया। तो गाइस ये सारे गन्स तो मेरे पास है ही, तो तुम लोग सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस गन्स के साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन गन्स के साथ कुछ वीडियोस का आइडिया कर रहा हूँ जिसको मोस्टली मैं घर से बाहर जाके शूट करूंगा, क्योंकि मेरे घर पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। और अपडेट अबाउट द स्कारेल जो मैंने फोर्टनाइट वाली मंगाई थी, इसका जो डब्बा है ये पूरा टूटा फूटा आया था, उसका अंदर का पैकेट टूटा हुआ भी था। पर मजे की बात ये है कि अभी इसके अंदर बैटरी लगा हुआ है, और अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो ये बटन से इसका मोटर चालू होना चाहिए, और इसका मोटर चालू ही नहीं हो रहा है। ये गन लिटरली बंद पड़ गया, ये गन चल भी नहीं रहा है। पर गाइस जो ये वाला गन है, ये गन अभी तक मस्त वाला चल रहा है, और इसका आवाज भी एकदम मिनिमम सा मस्त आवाज है, और इस गन का आवाज सुन के लगता है भाई कोई मिक्सी चला रहा है घर के अंदर। पर एनीवे गाइस, द गुड थिंग इज कि ये वाला गन लिटरली मेरे लिए सबसे मस्त है। ये वाले गन को अगर मैं हाथ में पकड़ू तो यार लिटरली ये SMG सा लगता है, और ये एक्चुअली एक AR सा लग रहा है। इतना बड़ा गन है, इतना भारी गन है कि ये गन जब मेरी दादी उठा रही थी, मेरी दादी को उठाने को भी नहीं आ रहा, ये गन इतना ज्यादा भारी है। सो एनीवे गाइस, दैट्स इट फॉर वीडियो। आई होप सब को आज के वीडियो देखकर मजा आया होगा। ओ बाय द वे, ये वाले गन का मैंने रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर लिया है, जो आई थिंक कल आ जाएगा। ये गन रिप्लेस हो जाएगा, मेरे पास एक नया सा गन होगा, और उसके साथ मैं बहुत ज्यादा मस्त मस्त चीजें करने वाला हूं। सो एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो देखकर तुमको मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।